राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ स्थित बरसों पहले बने सालासर बालाजी मंदिर के तोरण द्वार को गिराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे पर सीएम गहलोत से सवाल कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ट्विटर पर भी यूजर्स कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना रोष जता रहे हैं। चूरू जिले के सालासर हनुमान जी मंदिर के प्रवेश द्वार को जेसीबी से गिराए जाने के बाद अब गहलोत सरकार बैकफुट पर आ गई है, जबकि बीजेपी उग्र होती जा रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर वहीं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, जिसके बाद गहलोत सरकार के मंत्री डैमेज कंट्रोल में जुट गए। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी के मंदिर के प्रवेश द्वार को जेसीबी से गिराए जाने के बाद अब विवाद शुरू हो गया है और लोग गहलोत सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। ने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर तो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया राम दरबार के लिए वहां आप पार्लियामेंटेरियन है, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये NHA जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस रेन को एक्वेशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको ने काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे, हाउस में डिस्कस नहीं होगा। इसलिए इस पर ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार को गिराए जाने से लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने सुजानगढ़ सालासर रोड को भी जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद DAEN बाबूलाल वर्मा और JEN नंदलाल मोवाल मौके पर पहुंचे। इसके बाद उनसे राम दरबार की प्रतिमा को तोड़ने का कारण पूछा गया। AEN ने सड़क के चौड़ीकरण की बात करते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी। AEN नंदलाल मोवाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि सड़क का काम पूरा होने के बाद प्रवेश द्वार फिर से बनाया जाएगा, उसमें भी राम दरबार की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। लेकिन लोगों को अधिकारियों का यह तर्क रास नहीं आया। उनका कहना था कि यह समझ नहीं आया कि इसमें ऐसा गलत क्या था जो इस तोरण द्वार को तोड़ना पड़ा। इसकी चौड़ी सड़क होनी थी तो एक लेन इसके पास में भी बनवा सकते थे। इस मामले पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावार होती हुई नजर आ रही है। इसमें अब गहलोत सरकार बैकफुट पर होते हुए नजर आई है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।